Bismillahirrahmanirrahim, alaikum. system of linear inequalities in two variables in the given example the system contains two linear inequalities in two variables equality uh, inequality number one is 2 x minus y less than or equal to 4 in and uh, inequality number two is x plus y is greater than or equal to वी नीड टू फाइंड solution रीजन of the गिवन सिस्टम ऑफ linear inequalities solution रीजन हमने इसकी सोल्यूशन रीजन फाइंड करनी है कि यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट लीनियर इनइवालिटी इन वन वेरिएबल so ax less than b ax greater than or equal to b greater uh, ax less than b AX less than or equal to b x greater than b and x greater than or equal to b so these four forms represent the linear inequalities in variable one in one variable okay सो so, हर एक लीनियर इनक्वलिटी के साथ एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन होता है तो इस केस में लीनियर इक्वेशन आपके पास ये होगा और इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा देर विल बी अ सिंगल रियल नंबर लेकिन अगर आप इन चारों में से किसी भी एक लीनियर इनक्वालिटी का एग्जाम्पल ले लें जिस तरह मैंने ये ले लिया है कि थ्री एक्स इज़ लेस देन सिक्स सो फ्राम हेयर वी गेट एक्स इज़ लेस देन टू सो दोल्यूशन ऑफ़ द लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज अ फोर्स इन आ रियल लाइन विच रिप्रजेंटेड बाई द इंटरवल माइनस इन फिनटी टू टू इज दल्यूशन ऑफ दिसर इन इक्वलिटी बिकॉज बाई टेकिंग एनी पॉइंट फ्राम दिस इंटरवल दिस इनइक्वेलिटी विल भी ट्रू ओके अगर आप हम अब लीनियर इनइवलिटी इन टू वेरिएबल्स ले लें ले, तो उनके भी हमारे पास फोर टाइप्स होंगे ए एक प्लस बी वाई लेस देन सी ए एक प्लस बी वाई लेस देन आरिको टू सी एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी एंड एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन आरिक टू सी तो अब हमारे पास इन की ये यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा इन लीनियर इनिक्वालिटीज़ का जो दो वेरिएबल हैं दो वेरिएबल में हैं एक्स एंड वाई इसका सोल्यूशन क्या होगा सो यहाँ पे जो सोल्यूशन आपके पास होगा देट विल बी अ रीजन आप अ प्लेन वो हमारे पास प्लेन का एक रीजन होगा उस रीजन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये याद रख लें कि हर एक लीनियर इनक्वैलिटी के करस्पॉन्डिंग एक आपके पास सोलूशन होती है सॉरी uh, इक्वेशन होती है तो इन चार लीनियर इनक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स का जो एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं वो आपके पास है ए एक प्लस बी वाई इक्वल टू सी ये जोमैट्री हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट जोमैट्री के लिए अस्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशनल प्लेन और उसको ड्रा करने के लिए मीन इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं वी फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दी गिवन लाइन और फिर उन दोनों पॉइंट से हम इसको फास करते हैं वी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर एक्स इंटरसेप्ट वी पुट वाई इक्व टू जीरो एंड पार वाई इंटरसेप्ट वी पुट एक्स इक्वल टू जीरो सो लेट दिस लाइन इज़ द ग्राफ ऑफ दिस गिवन इक्वेशन विच इज़ इक्वेशन इन linear equation in two variable so actually this line divides the whole plane into two regions this both the regions are called half planes so this is above the line so this is upper half plane upper half plane and that is below the line so that is lower half plane okay now and this line which is ax plus by equal to c is called boundary is called boundary so the upper half plane is actually ax plus by greater than c this inequality this upper half plane is the solution region for this inequality and similarly the solution region of the inequality ax plus b less than c is the below or the lower half plane if either of the plane contain the boundary let's say greater than or equal to c mean let's say the boundary is contained in the upper half plane then that half plane is called closed upper half plane we discussed this in the previous video lecture now uh, if the line is vertical let's say this is the rectangular coordinate plane this is x-axis and y-axis and now this is a line so this is a vertical line so this line divides the plane into two region this region is called Right half plane and this side is got left half plane. Left half plane. So, in this video lecture, we are going to find out the solution region for the system of linear inequalities. So, the solution region for the system of linear inequalities will be the intersection portion of both the regions of the given inequalities. So first of all I am taking the inequality number one. Inequality number one is two x minus y is less than or equal to four and the associated associated uh, equation with this inequality is two x minus y equal to four now draw the graph of this equation so for the graph of this equation we already know that the graph must be a straight line in two dimensional plane so for the straight line the minimum requirement is to plot two points in the rectangular coordinate plane and those two points in this case we will find out the x intercept and the y intercept so for x intercept for x intercept for x intercept put y equal to 0 so when you put y equal to 0 in this equation you get x is equal to 2 so 2 0 is the x intercept and for y intercept for y intercept put x equal to 0 in the given equation so you get y is equal to -4 so, 0 minus 4 is the y intercept. So, in rectangular coordinate plane, 2, 0 is the point on the x axis. This is 2, 0. And 0 minus 4 is on the y axis. So, these two points are actually the solution of this equation. When you put x equal to 2 and y equal to 0, or x equal to 0, y equal to minus 4, left hand side will be equal to right hand side so these are the points which will lie on the graph of this equation because those points which despise the associated equation will must lie on the graph of that equation so in this you need to just draw a line through these two points so this is the line through these two points this is the x intercept and this is y intercept the point at which the line intersect the x axis is called x intercept that is 2 0 and the point at which the y uh, x is uh, the point at which the line intersect the y axis so that is 0 minus 4 these are the x and y intercept respectively okay now so this is the boundary this is the boundary which is 2x minus y equal to 4 but we are interested to find out the solution region for this Linear inequality in two variables. So now we will consider a test point. Now you clearly see that that is the upper half plane, and that is the lower half plane. That is the upper upper half plane, and that is the below the line is lower half plane. Now which plane? Which half plane will be the solution region for this given inequality of the given system, which is the inequality number one? So, for that, we take a, a test point, always consider origin as a test point. So, that is the origin having coordinates 0, 0. So, put x equal to 0 and y equal to 0. Remember, test point will be always. सिम्पलासिटी कंसिडर दरिजन सो देट इज़ द टेस्ट पॉइंट सो पुट एक्स इको टू जीरो एंड वाई टू जीरो इन दिवन इक्वेजन सो टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो माइनस जीरोस दैन आर इक्व टू फोर इस इन इक्वलिटी के अंदर एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह पे जीरो पुट कर लें टेस्ट पॉइंट सो देट इज जीरो माइनस जीरो इज लेस दैन फोर एम्प्लाइज देट जीरो इज लेस दैन आर इको टू फोर सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू so now the statement is the given inequality is true by taking uh, a point from the upper half plane so from that we can say that this inequality graphically will represent the upper half plane so that is the solution region and this also contain the boundary because there is less than or equal to so thus the solution region solution region for the inequality 2x minus y less than or equal to 4 is offer closed upper half plane that is that is 0 to 0. And that point is 0 minus 4. This is x axis. This is y axis. So, that region, that region, along with the boundary, boundary line. So, this is the solution region for this inequality 2x minus y. Less than or equal to 4. Now we are interested to find out the solution region for the second inequality of the system and then we will take the intersected region to find out the solution region of the given system of linear inequalities in two variables. So now I am considering the second inequality of the system that is x plus y greater than or equal to 2, the associated linear equation in 2 variable with this linear inequality is x plus y equal to 2. So when you put x equal to 0, y will be 2. So 0 2 is the y intercept and when you put y equal to 0 x will be 2. So 2, 0 is the x-intercept so you can draw the graph of the given linear equation in two variables which is a straight line that will pass from 2 0 on x-axis and 0 2 from the y-axis because these are the x and y intercept of the given line x plus y less than or e greater than or equal to 2 or you can say that x plus y equal to 2 okay so that is the boundary देट इज़ दी बॉन्ड्री लाइन देट इज़ दी बौंड्री लाइन अब हमने देखना है कि ये जो आपके पास इनक्वालिटी है ये किस रीजन को रिप्रजेंट करेगा क्योंकि ये बाउंड्री लाइन जो है ये हमारे पास प्लेन को दो रीजनस में डिवाइड करता है एक आपके पास अपर हाफ रीजन और एक आपका लोअर हाफ रीजन तो हमने अब दोनों रीजन में से एक पॉइंट उठाना है जिसे हम कहते हैं टेस्ट पॉइंट और अगर आप इस रीजन से टेस्ट पॉइंट उठा दें जो बिलो द लाइन है और उस पे आपके पास लीनियर इनिक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स सही साबित हो जाए यू क्लियरली सी दैट आई एम टेकिंग अ टेस्ट पॉइंट टेस्ट पॉइंट इज़ इज़ीरोसिटी सो एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द टेस्ट पॉइंट इज जीरो जीरो पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्व टू जीरो इन दी गिवन इन इक्वेलिटी सो यहाँ पर आप देख लें जीरो प्लस जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू सो जीरो इज ग्रेटर देन टू सो नाउ यू क्लियरली सी देट दी गिवन इनईक्वेलिटी इज नाट ट्रू फॉर दिस टेस्ट पॉइंट एंड दिस टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द बिलो हॉप प्लेन so it means that the upper half plane will be the solution region for the given inequality तो यहाँ पे हमें पता चला कि test point आपके पास निचे वाले half plane से हैं जिस पे inequality सही नहीं हैं so यहाँ से हम conclude कर सकते हैं कि upper half plane जो है included the boundary line क्योंकि यहाँ पे equality का sign भी हैं तो यहाँ पे आपके पास ये जो closed क्योंकि boundary इसमें included हैं तो closed अपर हाफ प्लेन ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन है इस इनक्वालिटी का तो दोनों इनक्वालिटीज़ का आपने सोल्यूशन रीजन पॉइंट कर लिया अब दोनों इनक्वालिटीज को एक ग्राफ के अंदर आप ड्रा कर लें तो देखिए आपका जो पहला इनक्वालिटी था दिस इज सेकंड इनक्वालिटी इन सिस्टम और फर्स्ट इनक्वालिटी जो सिस्टम के अंदर था वो आपके पास ये है दोनों के साथ लिख के सिस्टम बन जाते हैं क्योंकि दो या दो से ज़्यादा इनवालिटीज़ हमारे पास एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको हम सिस्टम आप लीनियर इनवालिटीज़ इन टू वेरिएबल कहेंगे बिकॉज बोथ दी इनलिटीज़ आर इन टू वेरिएबल्स एंड दे आर लीनियर तो हम इस वाले का जो रीजन है वो भी एक सेम ग्राफ के अंदर ड्रा करते हैं वो आप सबको पता है कि वो रीजन आपके पास इसी तरह था बट नाउ आई एम ड्राइंग दिस लाइन इन द सेम ग्राफ सेम ग्राफ में लाइन ड्रा करने से आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टेड रीजन कौन सा है तो अगर आप देख लें तो यहां पे भी टू जीरो आपका एक्स इंटरसेप्ट था तो आप देखे एक इंटरसेप्ट इसका टू जीरो है और एक आपका था जीरो माइनस फोर तो आप देखें ये आपके पास हो जाएगा और उसका भी अपर हाफ क्लोज अपर हाफ रीजन था तो वो उसका सोल्यूशन था तो यहां पे जो इंटरसेक्टेड रीजन है वो आपके पास ये है ये देख लें ये इंटरसेक्टेड रीजन है ये वाला सो देट इज दोल्यूशन ऑफ सिस्टम ये जो आपके पास देट इज दोल्यूशन रीजन इट आल्सो द बाउंड्रीज इट आल्सो इंक्लूड बाउंड्रीज तो इस सिस्टम का जो ये आपके पास गिवन सिस्टम है इस सिस्टम का जो सोल्यूशन रीजन है वो आपके पास ये है देट इज दोल्यूशन रीजन बिकॉज देट इज़ दोल्यूशन देट इज़ दी कॉमन सोल्यूशन रीजन इन बोथ लीनियर इनिक्वालिटीज़ अब यहाँ पे वो रीजन द पॉइंट ऑफ दल्यूशन रीजन ये देखें देट पॉइंट इज़ इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन रीजन बिकॉज यहाँ पर आपने देख लिया था कि दोनों में क्लोज हाफ प्लेन थे अपर क्लोज हाफ प्लेन थे बिकॉज दोनों लीनियर इन में इक्वालिटी का साइन भी है ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और सो पॉइंट इज दल्यूशन रीजन दैट इज दोल्यूशन रीजन सो वो पॉइंट ऑफ दोल्यूशन रीजन वेयर टू आप इट्स बोन्ड्री लाइज इंटरसेक्ट देखे ये आपके पास एक बॉन्ड्री लाइन है जो सोल्यूशन के अंदर इंक्लूड है और ये दूसरा आपके पास ये दूसरा बाउंड्री लाइन है अब ये दोनों बाउंड्री लाइंस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेट से दिस पॉइंट इज पी हैविंग कोऑर्डिनेट टू जीरो आप देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास टू जीरो बिकॉज दैट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट फॉर बोथ लाइंस तो ये जो हमारा पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट आर वर्टेक्स पॉइंट ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस पॉइंट्स को हम कॉर्नर पॉइंट कहेंगे या वर्टिक्स पॉइंट कहेंगे दैट इज़ दी कॉर्नर पॉइंट या इसको हम कहेंगे वर्टिक्स पॉइंट ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन क्यों ये सारा आपका सोल्यूशन रीजन है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया सोल्यूशन रीजन का वो पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट ऑफ दोल्यूशन रीजन वेयर टू आप इट्स बाउंड्री लाइन्स इंटरसेकट तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों बाउंड्री लाइन्स इंटरसेकट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट या वर्टिक्स पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ दोल्यूशन रीजन होगा जरूर तो कार्नर पॉइंट जो है और ये कार्नर पॉइंट अब आप कैसे फाइंड करोगे एक्चुअली यू सी वन यू सॉल्व द गिवन एसोसिएटेड सिस्टम ऑफ दी इक्वेजन्स अब देखिए ये कॉर्नर पॉइंट्स असल में कहाँ से आपको मिलेगा अगर इस सिस्टम का करस्पॉन्डिंग में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लूँ बिकॉज दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इन तो इसके अकॉर्डिंग आपका या एसोसिएटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये होगा ये आपके पास अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है अब अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी ये x इक्व टू टू और y इक्व टू टू इस इक्वेशन को भी सटिस्फाई कर रहा है इसको भी सीटिसफाई कर रहा है सो इट मीन्स दैट दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम तो जो कार्नर पॉइंट होता है वो असल में आप फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दी एसोसिएटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपके पास एसोसिएटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो कार्नर पॉइंट वहाँ से आपको मिल सकता है लेकिन ये याद रख लें कि कार्नर पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होगा जिस पे बाउंड्रीज जो बाउंड्री लाइन होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और कार्नर पॉइंट्स आपके पास सॉल्यूशन रीजन का भी पॉइंट होता है तो ये आप आगे एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि आपका जो फंक्शन uh, होता है जिसको हम जिसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो असल में हमें कार्नर पॉइंट के ऊपर ही उस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है सो दैट्स व्हाई वी आर मेनली फोकस ऑन दी कार्नर पॉइंट तो ये आपके पास था कार्नर पॉइंट यहाँ से भी आप देख सकते हैं यू सी देट देट इज कॉर्नर पॉइंट पॉइंट ऑफ two रीजन its टू intersect इट्स बाउंड्रीज corner points कार्नर a आर of ऑफ solution रीजन और इस कार्नर पॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे असल में कार्नर पॉइंट अगर आप अपनी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वालिटीज को कन्वर्ट कर ले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर दो लाइन्स हैं और उन लाइन का जो सोल्यूशन होगा मीन सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कार्नर पॉइंट असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का तो इन लोगों ने इसी वजह से लिखा है कि दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दोल्यूशन रीजन कैन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द लीनियर इनक्वालिटीज एंड फेयर तो वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर दी ओके नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट वट इज़ दी Visible region, objective function, what are constraints, optimal solution. So, these concepts are all related to the uh, system of linear inequalities. And you know, the system of linear inequalities are actually a constraint on some optimization problem. Thank you.